जी, CSS के एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है, लोगों को प्लेस करने की बातें की जा रही हैं। आपको मैं क्विक आइडिया दे दूं कि CSS है क्या। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, वो पूछते हैं जी CSS क्या है। एक तो कंप्यूटर में होता है कि कैस्केड स्टाइल शीट्स, वो प्रोग्रामिंग के हवाले से है। ये CSS वो नहीं है, ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो जॉब्स होती हैं, वो क्राइटेरियाज यानी वो पोस्ट होती हैं जो सेंट्रल सुपीरियर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में या ब्यूरोक्रेसी में, जहाँ पे हम कहा जाए कि आपको प्लेस किया जाता है। इसमें जो मेन जरूरी चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट है। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपकी एज लिमिट नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबव 30। 21 से 30 साल की उम्र के अंदर आपका ये आप एग्जाम्स ये दे सकते हैं। कुछ सेलेक्टिव सिटी में एग्जाम्स होते हैं, ये डीजी खान में, और मैं आपको जगहों के कुछ स्पेसिफिक सिटीज में एग्जाम्स होते हैं जिनमें एबटाबाद, भावलपुर, डीजी खान और डीआई में इनके एग्जाम्स होते हैं। इसमें ये एग्जाम्स देने के बाद अगर आप इसमें अपियर हों और आप सक्सेसफुल हों तो आपकी डायरेक्ट 17th ग्रेड में पोस्ट आपको हायर किया जाता है। इसकी जो एवरेज सैलरी बनती है वो तकरीबन 30,000 बनती है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। 30,000 सैलरी मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं कह सकता कि इसमें बाज़ोकात अलाउंसेज ऐड होते हैं, फिर आपके सक्सेस क्राइटेरिया के ऊपर आपने क्या परफॉर्म किया, आपका लेवल क्या था। आपका बहुत अच्छा टॉप लेवल होता है तो फिर आपको आपकी मर्जी की जगहों पर प्लेस किया जाता है। वो जगह जहां पे आप चाहेंगे आपको वहां प्लेस किया जाएगा अगर आप टॉप 3 या टॉप 5 में लाए करते हैं। अगर आप टॉप 3 या 5 में लाए नहीं करते तो फिर वो आपको खुद प्लेस करेंगे। लेकिन इवन दो आपको ग्रेड 17 ही मिलता है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, और ऑफ कोर्स जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपकी वैसी वाह हो जाती है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद आपसे डिस्कस करता हूँ। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन हो ग्रेजुएशन में, यू शुड होल्डिंग अ बैचलर डिग्री, और आप पाकिस्तान के परमानेंट रेजिडेंट हो या जम्मू कश्मीर के आप परमानेंट रेजिडेंट हो, उस सूरत में ही आप क्वालिफाई करते हैं। यानी दो कंडीशंस मैंने आपको अभी तक बता दी, एक एज लिमिट कि आप अबव 21 एंड बिलो 30 हो, अबव 30 आप नहीं कर सकते क्वालिफाई इस चीज के लिए, और दूसरी मैंने आपको बता दी कि इसमें आपका जो रेजिडेंस है वो पाकिस्तानी आप हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो जिसमें आपका कम अज कम भी सेकेंड डिवीजन हो। इसकी मजीद तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ। इसमें एक तो ये है कि चार तरह के एग्जाम्स होते हैं जिसमें रिटन होता है, मेडिकल होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वाइवा होता है। रिटन एग्जाम जो होता है वो 12 पेपर्स होते हैं टोटल, यानी 12 सब्जेक्ट्स, 12 टॉपिक्स कह लें, और आउट ऑफ दिस 6 जो है वो कंपलसरी होते हैं, रिमेनिंग 6 जो है वो ऑप्शनल पेपर होते हैं। ईच पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। रिटन एग्जाम जो होता है 1200 मार्क्स के टोटल बनते हैं, या क्योंकि हर एग्जाम 100 का है, और इसमें से 600 जो है वो कंपलसरी पेपर्स के होते हैं, 600 ऑप्शनल के होते हैं। टाइम अलाउड हर पेपर के लिए 3 घंटे का होता है, जो कि पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है कि 3 घंटे का एग्जाम पेपर होता है। हर पेपर का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव और पार्ट 2 सब्जेक्टिव होता है, और सेपरेट शीट्स होती हैं जो कि 30 मिनट्स के बाद ले ली जाती हैं। यानी जो आपका पार्ट 1 होगा वो 30 मिनट्स के बाद ले लिया जाएगा वापस। अच्छा, उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है कंपलसरी मार्क्स वो 40% है, ऑप्शनल पेपर के 30% है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें 40% मार्क्स आना लाजमी है, जो ऑप्शनल है उसमें 33% वाला भी पास होता है। अच्छा, मैं आपको सब्जेक्ट लिस्ट बताया था जो CSS में रिक्वायर्ड होती है, 6 जो कंपलसरी है और 6 जो ऑप्शनल है। जो कंपलसरी है उसमें है जनाब आपका इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन, उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम है ये वाला। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं 6 वो हैं काउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर स्टडीज, मेजर साइंसेज, पॉलिटिकल साइंसेज और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये ग्रुप 1 के ऑप्शंस थी। ग्रुप 2 के ऑप्शंस जो हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी। ग्रुप 3 के जो ऑप्शंस हैं वो हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, और टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। फिर ग्रुप 4 भी आता है और ग्रुप 5 भी आता है। ग्रुप 4 में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, जेंडर स्टडीज, ये ग्रुप 5 का बताया लगा मैं आपको, जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। ग्रुप 6 में जो अगेन ऑप्शनल है उसमें आ रहा है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस, उसके बाद मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी। ग्रुप 7 में आ जाते हैं जी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बायोलॉजी, रशियन एंड अरेबिक। ये जनाब सब्जेक्ट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसमें अगेन मैं आपको बता दूं 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कंपल्सरी होते हैं, 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। जो पहले 6 मैं आपको बताया वो कंपल्सरी थे, बाकी के जो मैंने आपको 6-7 ग्रुप बताए हैं उनमें जो लिस्ट है वो सारे जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं।
ठीक है जी, तो आप लोग अप्लाई करें बिल्कुल, और अभी टाइम है, मैं हमेशा रिकमेंड, अप्लाई करने में हर्ज कोई नहीं है, अप्लाई करने में हर्ज को, आपने जो भी फील्ड फॉलो करनी है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, आप ज़रूर उसको फॉलो करें, लेकिन इसके एग्जाम्स देने में हर्ज कोई नहीं है, आप इसके एग्जाम्स दें, हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएं, अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो वाई नॉट, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, इट्स अ वंडरफुल चांस, तो इसको जरूर अवेल करें, इसको जाया ना करें, इसको मिस ना करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आपको आसानियां पैदा करने, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।